लिक्विड ओवरफ्लो होता है, लोग का लेटर निकल जाता है। देखिए बहुत लोगों का कंप्लेंट रहता है कि हमारा लेटर ही निकल जा रहा है, लेटर निकल जा रहा है, उड़ जा रहा है सबका। कोई कोई एकदम लेटर ये रहता है, पतला रहता है। देखिए ऊपर ठीक आया। आज एक मुझे व्हाट्सअप आया था, वो शायद नॉर्थ ईस्ट से ही थे वो। उनका पूरा क्या हो रहा था, ऊपर का लाइन सही था, नीचे का लेटर प्रोपराइटर उड़ा हुआ था, मतलब ताकत नहीं था, पैच आ रहा था। क्यों होता है ऐसा, लेटर में ताकत क्यों नहीं रहता? तो इसके लिए एक मिनट ना, आप थोड़ा ये देखिए, पूरा लेटर ही उड़ा हुआ है, देखा आपने? अभी जब लिक्विड ऐसा निकलेगा आपको ना, तो लेटर वैसा होता है, ठीक है? इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ये लेटर जो बाहर, ये जो लिक्विड बाहर निकल रहा है ना, ये नहीं निकलना चाहिए। और अगर निकले तो रुकना है, जब तक वो निकलने पूरा निकल जाए ना, तब तक रुकना है अपने को, ठीक है? अगर इस पे आपने कंट्रोल कर लिया ना, तो फिर ठीक है, और उसके बाद आपने टाइम दे दिया बस। नहीं तो मेन प्रॉब्लम वहीं पे होता है। ये देखिए इसको ही कंट्रोल करना है आपको, ये जो लिक्विड बाहर निकलता है उसके बाद आपको रुकना है। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोई है नहीं कैमरा पकड़ने वाला, तो कैसा रखूँ? हाँ ऐसा रखता हूँ, दिखेगा। तब तक मैं ना उसको बैक सीट डाल के दिखाता हूँ आपको। तो क्या करना है, जो भी लिक्विड निकलना रहा है ना, उसको निकलने देना है फैन, ओके? ये देखिए ऐसा, और जो बाहर निकला है वो अपन यूज में ले लेंगे, इसमें कुछ भी वेस्टेज नहीं छोड़ना है, ठीक है? ये देखिए ये ऐसा आपको पूरा निकालना है, लिक्विड निकल गया। इसका मतलब क्या है, मशीन इधर से मेरा ऊपर है, उधर डाउन है, तो ये सब आपको समझना है। मैं इसके लिए दिखा रहा हूँ लाइव में कि आपका जो मशीन कभी कभी किन्हीं का एक साइड में पतला, एक साइड में जाड़ा, मतलब एक साइड में पूरा उड़ जाता है लेटर, एक साइड में पूरा पैक हो जाता है, जाड़ा हो जाता है, ठीक हो जाता है, और एक साइड में एकदम थीन हो जाता है। तो ठीक और थीन क्यों होता है, इसके लिए कि अगर मशीन समझिए इधर से डाउन है, जैसे मेरा उधर से डाउन है, तो लिक्विड उधर बह रहा है, तो इधर ठीक हो जाएगा और इधर थीन हो जाएगा, समझ गए आप? ठीक है, तो ये सब अपने को सब ध्यान रखना है कि उसके लिए हम लोग को क्या करना है। ये देखिए अभी हमने क्या एक्स्ट्रा निकाल दिया, तब तक आप देखिए मैं थोड़ा बैक सीट निकालता हूँ। ये देखिए बैक सीट कट गया मेरा, ओके? अभी मैं बैक सीट डालता हूँ। ये देखिए बैक सीट डाला, ऐसा डालना है सेंटर में करके आपको। फिर भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है लिक्विड, लेकिन चलेगा। आपको दिखाना है कि अगर वो लिक्विड ज़्यादा भी हुआ तो हम लोग कैसे इसको संभाल सकते हैं। ये कांच लिया हमने, ये ऐसा आपने रख देना है। ये देखिए अभी आपको दिखा, देखिए लिक्विड निकल रहा है इधर से, ठीक है? अभी देखिए क्या है, लिक्विड सब इंस्टेंट हो गया, कहीं से भी देखिए लिक्विड बाहर नहीं, सिर्फ इधर से थोड़ा सा निकला, यानी इधर ज़्यादा था, इधर से मैंने निकाला नहीं था, इधर से निकाला था इधर नहीं आया, उधर से निकाला उधर बाहर नहीं गया, ठीक है फ्रेंड? अभी हम क्या करेंगे, टाइमिंग देंगे, ओके?
तब हम इसको क्या करते हैं, बंद करते हैं। देखिए इधर से भी लिक्विड मूविंग हो रहा है, देखा आपने, अभी भी लिक्विड बहुत मूव हो रहा है। ठीक है, फिर भी अभी टाइम देकर देखते हैं क्या होता है। पहले स्विच ऑन करना पड़ेगा तो। ओके, अभी हमने ऑन किया, अभी हमको टाइम क्या देना है, आपको बताया था सभी। अभी हाल में भी एक वीडियो बनाया था मैं सस्ता वाला, वो जो लिक्विड था वो कितना कम टाइम का, 3-4 मिनट का था, और दूसरा 50-40-50 सेकंड का। ओके, तो अभी जो ये देख रहे हैं ना, इसको हम थोड़ा ज़्यादा देते हैं क्योंकि एक साइड से लिक्विड बाहर निकल रहा है। तो समझिए 84 दिया, अभी हमको 7 देना है पहले। ठीक है, तो अभी हम इसको ऑन के 4, ठीक है, 84 पे चालू है तो 76 पे, मतलब 8 पहला हो जाएगा। ओके, अभी देखिए बंद कर दिया। ओके, अभी और दूसरा सेकंड चालू हो गया इसका। तो ये सब अपने को ध्यान रखना है, अगर अपने को क्वालिटी चाहिए स्टैम्प का तो टाइमिंग और जो लिक्विड बाहर निकल रहा है ये सब पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तभी आपका सब अच्छा बनेगा। अगर आप टाइमिंग पे या लिक्विड एक साइड मशीन बैंड इधर से लिक्विड बह रहा है तो एक साइड आपका अच्छा आएगा एक साइड नहीं आएगा। तो फ्रेंड प्लीज़ आप उस पर ध्यान दीजिए पहला कि आपका मशीन किस तरह से है, बीच में लिक्विड या पानी डाल के देखिए, ऊपर से जैसे मैंने लिक्विड डाला कैसा, उसको छोड़ा 10 मिनट तो देखा आपने एक साइड से निकल रहा था। ये सब अपने को ध्यान देना है, समझे ना। अभी देखिए टाइम ख़त्म होने वाला है, और ये नीचे देखिए हाइपो का पानी है, आज ही बनाया है मैंने, पूरा भर के रखा है। ठीक है, ये 24 हुआ है, और ये लिक्विड का हम उस दिन आपको दिखाए थे, ये लिक्विड का जो 4 सेकंड और 40 सेकंड 50 सेकंड में बन जाता है। ठीक है, और ये देखिए सभी लोगों का रहता है कि प्रेइंग का, ये देखिए डबल ट्यूब मशीन यही है। ठीक है, ये प्रेइंग मशीन है, सेल्फिंग प्रेइंग मशीन ये है, ये वाला, ये पूरी मशीन है, इसके साथ ये आता है, 12,000-15,000 की है, सिंगल ट्यूब डबल ट्यूब बस इतना ही है। ये आता है, ये रहेगा ऊपर से, इसके ऊपर से ये बंद रहता है, अब देख लीजिए यही मशीन है। ठीक है, ओके फ्रेंड, अभी ये टाइम पूरा हो गया देखिए। ओके, अभी हम निकालते हैं, खोला हमने। ओके, अभी देखिए कांच हटाया, ये देखिए दोनों पैकिंग हटाया, ये सब तो हमारे सभी वीडियो में मिलेंगे आपको। ठीक है, अभी आपको इधर रखना पड़ेगा वाशिंग देखने के लिए। ओके, अभी ये निकाल लिया। ठीक है, ये हटाए, इसको बंद किया। अभी मैं ना कैमरा होल्ड नहीं कर सकता, इसके लिए रख दिया उधर। अभी आपको दिखाता हूँ वाशिंग होने के बाद, ये इसको ऐसा निकालना है। ओके, इसके बाद इसके में जो भी लिक्विड है इधर, ये देखिए एक बार दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इसके अंदर जो भी लिक्विड है ना, इसके अंदर देखा आपने, ये सब निकालेंगे हम कैसे, ये आपको पूरा लिक्विड निकाल लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ऐसा आपको निकाल लेना है, ये कोई नहीं होगा, इधर रखते हैं एक मिनट हम ना, अभी आपको वाशिंग करके
वापस आते हैं। ये देखिए ऐसा लिक्विड आपको निकाल लेना है पूरा, कुछ भी नहीं छोड़ना है, ठीक है। ऐसा लिक्विड निकालते जाना है, इसका लिक्विड पूरा निकल गया है, थोड़ा भी नहीं छोड़ने का। जो भी निकालेंगे वो आपका प्रॉफिट है, जितना लिक्विड निकलेगा वो आपका प्रॉफिट है, इसलिए कुछ छोड़ना नहीं, मैक्सिमम लिक्विड निकाल देना है आपको, ठीक है। अभी देखिए मैं इसको वॉशिंग करने जा रहा हूँ, पानी लिया, इसको वॉशिंग अच्छे से करना है, मैं आपको हर बार बोलता हूँ वॉशिंग जितना अच्छा करेंगे उतना अच्छा क्वालिटी दिखेगा। और मशीन को ना आपको एक तरह का रखना है, जैसा ऊपर हो रहा था ना उससे कैसा आता है ना वो आपको दिखाता हूँ मैं, वो अगर मशीन एक साइड से ऊपर हुआ तो आपको लॉट कैसा बनेगा ना वो आपको दिखाता हूँ, एक साइड थिक बनेगा एक साइड थिन बनेगा, ओके फ्रेंड। तो आपको ये सब ध्यान देना है, मैं इसके लिए दिखाया लाइव, इसके लिए अर्जेंटली में कोई आदमी नहीं है, फिर भी मैं गया कि आप लोगों को मालूम पड़े कि ऐसा होता है तो क्या होता है, तो ऐसा होता है मेरा मेजर चीज दिखाने का क्या रहता है ना कि ऐसा क्यों होता है, लोगों को मालूम पड़े ये क्यों हुआ, ऐसा पतला क्यों हो गया, ये जाड़ा क्यों हो गया, एक साइड में ठीक क्यों हो जाता है, एक साइड में थीन क्यों हो जाता है, ये मेन है। तो इसीलिए मैं अभी लॉट डाला था, ऐसा हुआ तो मैं फिर लाइव आके आपको दिखा रहा हूँ, ओके। हो गया है वाशिंग, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका, हाइपो के पानी में डालने का पहले, फिर समझिए लेटर हिल भी रहा है तो फिर भी दबा के वॉशिंग करना, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कर देंगे ना तो क्या हो जाएगा, लेटर तो बच जाएगा लेकिन इम्प्रेशन जो चाहिए ना वो नहीं आ पाएगा फ्रेंड। तो प्लीज़ आप उस पर ध्यान दो कि अगर आपको थोड़ा सा ये चलेगा अपने को, ये हाइट ज़्यादा हो गया इधर, तो हम क्या कर रहे हैं अभी थोड़ा मशीन का हाइट कम कर रहे हैं, ओके। ये देखिए अभी ये हाइपो के पानी में डाला है, अभी हम क्या कर रहे हैं इधर से निकाल रहे हैं, बंद किया, ये देखिए
ओके। अब इसको क्या करेंगे, कपड़े से साफ करना है, जो भी पानी है इसका इसको आपको निकाल देना है। ये हमने पहले से ड्रेसिंग पे चिपका के रखा हुआ है। ये देखिए दिन भर जाने के बाद अभी ये इतना स्टैम बचा हुआ है जो शाम को डिलीवरी होगा। अभी इसलिए मैं बोलता हूँ आप लोगों को कि आप प्लीज़ स्टार्ट करो, रबर स्टैम्प बिजनेस बहुत अच्छा है, आप अच्छा कर सकते हो इसमें। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छा होगा। प्लीज़ स्टार्ट योर बिजनेस विथ रबर स्टैम्प, रबर स्टैम्प मेकिंग बिजनेस। ओके, अभी ये हो गया साहब, कुछ भी नहीं। अब आपको मेन दिखाते हैं कि क्या हुआ है। देखिए इधर देखेंगे तो पूरा पतला दिख रहा है आपको, देखिए, और इधर देखिए कितना ठीक है। तो जो लिक्विड इधर बाहर से निकल रहा है, देखिए इधर बाहर निकला, उधर क्या हो गया, उधर पतला हो गया। ठीक है, ये हो जाता, लिक्विड बाहर निकल जाता तो उधर पतला हो गया, इधर नहीं निकला तो इधर थिक हो गया, इधर थिन हो गया। ठीक है, अभी आप देखिए बढ़िया से, इधर आपको थिक दिख रहा है, इधर एकदम पतला हो गया। ओके फ्रेंड, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो अगर आप इसमें कुछ आपको चाहिए जानकारी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, इसमें अगर कुछ बच गया है तो आप बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।